हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यूजीसी नीट जून 2024 के एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने के प्रोसेस के बारे में। मतलब कि आपका दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता ही है इसका। तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। सबसे पहले आपको सरकारीजेल.com पर आ जाना है। उसके बाद नीचे आपको एडमिट कार्ड का फोल्डर मिलेगा, इसी के नीचे आपको मिलेगा NTA UGC NEET तो जून 2024 एडमिट कार्ड। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसका जो एग्ज़ाम रखा गया है वो आपका 18 जून 2024 में रखा गया। 18 जून को इसका जो है एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एडमिट कार्ड आपके 15 से डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। 15/6/2024 से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है एडमिट कार्ड, ठीक है दोस्तों। अब नीचे आना है आपको, सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पे लिख रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। अब दोस्तों सिंपल सा तरीका है, आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है फॉर्म भरते टाइम। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको मिलता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे और यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब दोस्तों आपको पता ही है अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह के बारे में, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ भरा था उस टाइम पर वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यही आपका एडमिट कार्ड है दोस्तों। अब ये एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं किस तरह का देखने को मिल रहा है। इसमें आपका रोल नंबर वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका टाइमिंग वगैरह भी देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह का कुछ एडमिट कार्ड रहेगा। और इसमें ले जाना क्या क्या है, इसमें आपको आईडी प्रूफ ले जानी है दोस्तों। एक आईडी प्रूफ ले जानी है, जिसमें कि आधार कार्ड और फ़ोटो वगैरह ले जाने हैं, चार पांच, जो दो चार फ़ोटो जो भी ले जाने हैं आपको। और एक आईडी ले जानी है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पहचान पत्र, कोई भी एक आईडी आप ले जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ तो आप अपना इस तरह से अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और साथ के साथ जो भी आपको ले जाना है कागज़ वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर दोस्तों आप पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप मेरे द्वारा भी अपना चेक करा सकते हैं, मतलब डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए मेरा। और जो भी कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप मेरे चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैंने बताया है दोस्तों कैसे कैसे डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार आ रहे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।